तो यहाँ पे मैं लाठी लेके आ गया, लाठी से तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर है बड़े वाले। कल रात यहाँ हमारे घर के पीछे गिर जाते तो मम्मी को बहुत डर लग रहा था ना, तो मम्मी कह रही थी बस मैं दांत पर बाहर आ रही थी बार बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे दरार पड़ रही है हमारे मुर्गे फार्म पे, और ये दरार कभी भी बड़ी हो सकती है, वैसे भी बड़ा हो ही चुका है, और इधर पे हल्के हल्की दरारें पड़ रही है। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुछ ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आज सभी को गुड मॉर्निंग, और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हुई है सुबह के 7 बजे से। तो मेरा गांव का नाम है भरनो, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के थेलसर ब्लॉक में। और आजकल तो पहाड़ों में मौसम बहुत बेकार हो रखा है, जितने अच्छे पहाड़ आपको लगते हैं उतने ही डेंजरस पहाड़ आजकल हमारे लिए हो रखे हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे जगह जगह, और रात को सोना भी बहुत मुश्किल हो गया कब क्या हो जाए। और लगातार बारिश होने के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे रास्ता भी टूट चुका है, थोड़ा बहुत पहले टूटा हुआ था, और कल रात लगातार यहाँ से पत्थर गिर रहे थे, और आप देख सकते घर के पीछे कितने बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो रात को सोना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी अंदर कमरे में बहुत भयंकर वाली, और ये पत्थर घर की दीवार पर लग रहे थे। और अभी मम्मी यहाँ पर रोटी बना रही है अंदर कमरे में चूल्हे में। क्या सर? तो मेरी मम्मी ने एक वीडियो देखी थी इसमें टीवी पे, यूट्यूब पर एक औरत बहुत बड़े बड़े रोटी बना रही थी, तो मेरी मम्मी कह रही ऐसी रोटी बनाता मैं। कल रात यहाँ हमारे घर के पीछे गिर जाते तो मम्मी को बहुत डर लग रहा था ना, तो मम्मी कह रही थी बस मैं दांत पर बाहर आ रही थी बार बार। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से ये दीवार भी नीचे चली गई, और पहले यहाँ से जा रखे थे और अब यहाँ से चला गया। और हमने नीचे खेत में जितना झुंगोरा बो रखा था, कितने पेड़ पौध हो चुके थे झुंगोरे की, ये झुंगोरा सब दब चुका है, और देख सकते कितना खतरनाक जा रखा है नीचे, और ये पेड़ भी चला गया, और ये भी जाने वाला है कुछ दिन में। और यहाँ पे ब्लैकी की तबीयत भी खराब हो रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है इसको, और कालों को भी सेम ऐसे ही हो रहा है जैसे कर रहा है, खांसी जैसी हो रही है दोनों को। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितने बड़े पत्थर आ रखे रास्ते में, और ये यहाँ से आए, और यहाँ से भी पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है, और छोटे छोटे पत्थर आ रखे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत खतरा बना रहता है ऊपर नीचे जाने में। ये देखिए यहाँ पे भी कितने सारे पत्थर आ रखे हैं, अगर किसी के साथ में पड़ जाए तो ये इंसान तो बचेगा भी नहीं। और देखिए कितना डेंजरस जगह है यहाँ पर, और यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रखा है। ऐसे लैंडस्लाइड तो पहाड़ों में होते रहते थोड़े थोड़े, पर जो बड़े लैंडस्लाइड होता है उनका बहुत डर रहता है, पर ये लैंडस्लाइड भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इतने बड़े पेड़ है, तो ये पेड़ भी गिर सकते हैं, तो पेड़ की वजह से हमारे गौशाले पर भी खतरा आ सकता है अगर ये पेड़ गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ज़मीन कच्ची पड़ जाएगी नीचे से। तो हमारे जिन कमरों में मुर्गे रहते हैं, इन दो कमरों में और जो ये वाला गौशाला है, तो इसमें भी दरारें आ गई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे दरार पड़ रही है हमारे मुर्गे फार्म पे, और ये दरार कभी भी बड़ी हो सकती है, वैसे भी बड़ा हो ही चुका है, और इधर भी हल्के हल्की दरारें पड़ रखी है, ये देखिए पूरे दरार पड़ रखी है यहाँ से, और इस साइड के लिए भी पड़े हैं शायद, बहुत खतरा हो चुका है पहाड़ में। अभी तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी हल्के हल्के दरारें पड़ रखी है। अभी पीछे की साइड देखते हैं, पीछे की साइड भी पड़ी होगी क्या पता। और यहाँ पे भी देखिए खिड़की के सामने से ये रहे हल्के से, और जो आपको आगे वाले गौशाले दिखाई दे रहे हैं जहाँ हमारे बैल रहते हैं, आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा, इस पर भी दरारें पड़ रखी है। तो ये पत्थर तो मैंने यहाँ ठोक रखे हैं दरारों को बंद करने के लिए, और आप देखते किस तरह से हो रखा है,
और नीचे की दीवार तो पूरे नीचे की तरफ के लटक रखी है, जैसी कभी भी आ सकती है। और इधर भी देखिए, इधर दरारे। और यहाँ पे भी बहुत भयंकर दरारे दिखाई दे रहे हैं। और दीवार देखिए, दीवार किस तरह से लग रही है, जैसे कि नीचे गिरने वाला हुआ। तो दोस्तों अभी टाइम 10:30 हो चुका है और यहाँ पे मौसम भी खुल चुका है और धूप भी लग चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गीली लकड़ियों को सुखाने के लिए रखता हूँ। और जो आपको ये बारी लकड़ियाँ दिखाई दे रही है, भीगे हुए थे, तो मैंने उन्हें भी धूप में सुखाने के लिए रखा है ताकि आग आसानी से जल सके, क्योंकि आज का आग लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैं मोटी लकड़ियों को भी फाड़ता हूँ और काटता हूँ। और यहाँ मैंने गोबर भी निकाल दिया बैलों का, तो यहाँ से कुल्हाड़ी लेके आता हूँ मैं। कुल्हाड़ी कहाँ पे रखा है, ये रहा कुल्हाड़ी। तो दोस्तों अभी मैं छाव में आ रखा हूँ लकड़ी फाड़ने के लिए, तो यहीं पे काटता हूँ मैं लकड़ी फटाफट, फिर उनको धूप में सुखाने के लिए रख दूंगा। तो ये वाली लकड़ी ढंग से नहीं फट रही क्योंकि पुराना हो चुका है और टूट जा रहा है जगह जगह से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ काट दी है। तो इन लकड़ियों को मैं अभी यहाँ गौशाले के छत में रख दूंगा सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छी धूप हो रखी है। दोस्तों जब बारिश के बाद धूप लगती है पहाड़ में, तो पहाड़ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है पहाड़े आड़ो। और आप यहाँ पे देखते हैं कितने अच्छे आड़ो हो रखे हैं। और ऊपर चिड़ियों ने पूरे आड़ो खा दिया, अभी भी ये बैठे हुए हैं आड़ो खाने में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आराम से खा रहे आड़ो। और मैं अभी तोड़ता हूँ और चख के बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। अभी मैंने एक भी नहीं चख रखा है। तो यहाँ पे मैं लाठी लेके आके लाठी से तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर है बड़े वाले। तो 3-4 आड़ो यहाँ आगे चौक में और बाकी नीचे जा रखे, तो उनको लेके आता हूँ मैं पहले नीचे से। और ये आड़ो लेके आ गया मैं, आप उनको चेक कर देखते हैं कि कैसे हो रहे हैं। तो एक आड़ मैं आंसू को देता हूँ खाने के लिए, ले आंसू। तो आंसू भी भाग गया था जब मैं आड़ तोड़ा था, पर मुझे भी दो, मुझे भी दो। कैसा हो रहा, मीठा रहा? तूने खाया भी अभी? बता फटाफट, सड़ के आंसू कह रहे, पर सड़ के आड़ो।
अरे थोड़े थोड़े ना। अभी अच्छी तरह से नहीं पक रखा है, और पता नहीं चिड़िया क्यों खा रहे, चिड़ों ने ऊपर पेड़ के जो ऊपर के आड़ू है सांप खा दिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।